Allah Hafiz. Assalamualaikum. Welcome back. This is V Hamid and you're watching my channel, Hamid Biologist. In today's video tutorial, we will talk about orthopedic nursing. So, in this video tutorial, the learner will be able to relate the normal anatomy and physiology of the musculoskeletal system to alternation of normal structure and functions. Display the ability to assist in carrying out diagnostic procedures related to musculoskeletal system and also recognize and reports the abnormalities in the result identify the needs of the client with different types of traction and amputation use nursing concept in identifying potential complication associated with musculoskeletal disorders utilize nursing process in delivering care promoting and maintaining the optimal wellness of clients with musculoskeletal disorder collaborate with other members of the healthcare team in health teaching and discharge planning incorporate relevant research findings in designing a plan of care for clients with musculoskeletal disorders understand and perform neuromuscular assessment independently on patient having musculoskeletal disorder demonstrate pre and post operative nursing care in a patient with musculoskeletal surgeries so वी विल टॉक अ अबाउट सॉफ्ट टिश्यू इंजरी फ्रैक्चर एम्पूटेशन पैजट डिजीज एंड गाउट एज वेल एज ऑस्टियोमलाइटिस ओस्टियो अर्थरेटिस ओस्टियोप्रोसिस रिमोटोर्थरेटिस बोन ट्यूमर्स एंड एट द एंड ऑफ द यूनिट वी विल टॉक अबाउट ट्यूमर क्रोसिस सो लेट्स टू इंट्रोड्यूस अबाउट द मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करें तो मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम का एक मजमु होता है जिसमें बोन्स जॉइंट्स मसल्स टेंडन्स, लेगामेंट्स और बरसाई ऑफ दी बॉडी पाए जाते हैं बोन्स की बात करें तो बोन्स ये स्पेशल हार्ड टिश्यू होते हैं और इसने हमारे पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट किया होता है और इसके सेल को हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं ये कि इंतहाई इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बोन्स के सेल को हम क्या कहते हैं तो बोन्स के सेल को हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं जॉइंट्स की बात करें तो जॉइंट्स जंक्शन ऑफ टू बोन्स दो बोन्स के जंक्शन जंक्शन को दो बोन्स के मिलने को हम जॉइंट कहते हैं और इसकी वजह से बॉडी में मूवमेंट आती है मसल्स मसल्स की बात करें तो ये मसल्स हमारे स्केलेटन पे अटैच होते हैं टेंडन्स के जरिए लेगामेंट्स की बात करें तो लेगामेंट्स ने दो बोन्स के दरमियान जो साइनोवियल जॉइंट होता है उनको आपस में जोड़ के रखा होता है और बरसई होती बॉडी की बात करें तो बरसई जो है ये एक से लाइक स्ट्रक्चर होता है जो जॉइंट के अंदर पाया जाता है द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद दीज स्ट्रक्चर आर कॉमन एंड एफेक्ट ऑल एज ऑफ एज ग्रुप्स इससे जो प्रॉब्लम होती है मस्कुलर स्केलेटर सिस्टम के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो किसी भी एज के पीपल्स को ये अफेक्ट कर सकती है प्रॉब्लम्स विद द मस्कुलर स्केलेटरी सिस्टम आर जनरली नोट लाइफ रिटिंग ये लाइफ रिटिंग नहीं होती ये प्रॉब्लम्स बट दे है सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द पेशेंट नॉर्मल एक्टिविटीज एंड प्रोडक्टिविटी लेकिन चूंकि ये नॉर्मल लाइफ के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता लेकिन बेसिकली इसका अहम काम की ये होता है कि जब ये कोई डिसऑर्डर हमारे बॉडी में होते हैं मस्कुल सिस्टम ये डिसेबिलिटी तो नहीं लाती लेकिन जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो नॉर्मल फंक्शन इसकी वजह से एबनॉर्मल हो जाते हैं यानी कि जैसे कि एक्टिविटीज़ हो गई नॉर्मल एक्टिविटीज़ यानी चलने पड़ने के जो एक्टिविटीज़ होती है प्रोडक्टिविटीज़ इसमें थोड़ी सी महरूमी हो जाती है नर्सिस इन ऑल प्रैक्टिस एरियाज इनकाउंटर पेशेंट्स विद चें स्केलेटर फंक्शंस नर्सिस को हर एक शोबे में हर एक डिपार्टमेंट में ऑर्थोपैडिक तो केसेस का सामना करना पड़ता है उनको इनकाउंटर करने का सामना करना पड़ता है एनाटमिक इन फिजोलॉजी कवर यू द हेल्थ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द मस्क्यूलो स्केलेटर सिस्टम इज इंटरडिपेंडेंट विद दैट ऑफ द अदर बॉडी सिस्टम अदर बॉडी सिस्टम के साथ ही इंटर डिपेंडेंट होता है हमारा हेल्थ हो गया और उसके प्रॉपर फंक्शन हो गए और जो हमारे मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम है उस मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम के जो फंक्शंस हैं वो हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स के साथ इंटर डिपेंडेंट होते हैं द बोन स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर वाइटल ऑर्गन जैसे कि बोन स्ट्रक्चर हो गए हडियोग मजमुआ हो गया उससे हमारे वाइटल ऑर्गन जो इंतहाई इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं उन ऑर्गन को प्रोटेक्शन दी होती है जैसे कि ब्रेन हो गया लंग्स हो गया हार्ट हो गया इनको यानी कि बोन्स के, के अंदर ये इनक्रॉस होते हैं बोन्स के अंदर ये प्रोटेक्टेड होते हैं जैसे कि अभी स्कल की बात करें तो स्कल ने हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन दी है इसके अलावा रिब्स की बात करें तो रिब्स ने हमारे चेस्ट को प्रोटेक्शन दी है लंग्स को प्रोटेक्शन दी है हार्ट को प्रोटेक्शन दी है इसके अलावा हमारे पूरे बॉडी के अंदर जो बोन्स है इसने हमें एक स्पेसिफिक शेप दिया है सपोर्ट दिया है बहुत सारे फंक्शनस है हमारे बॉडी के इस मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम का हमारे बॉडी के लिए द बोन स्केलेटन प्रोवाइड्स अ स्टडी फ्रेमवर्क टू सपोर्ट द बॉडी स्ट्रक्चर ये एक स्टडी फ्रेमवर्क यानी कि स्पेसिफिक शेप देता है हमारी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए द बोन मैट्रिक्स स्टोर कैल्शियम फॉस्फोरस मैग्नीशियम एंड फ्लोराइड बोन्स के जो मैट्रिक्स होते हैं जो कैविटीज होती हैं उसमें कैल्शियम पाए जाते हैं फॉस्फोरस पाए जाते हैं मैग्नीशियम और फ्लोराइड पाया जाता है लेकिन मोर देन नाइन्टी ऑफ द टोटल बॉडी कैल्शियम इज प्रेजेंट इन बोन्स बॉडी के टोटल यानी कि टोटल बॉडी कैल्शियम जो है अबाउट नाइन्टी एट परसेंट जो है ये हमारे बोन्स के अंदर पाए जाते हैं इन एडिशन द रेड बोन मैरोटेड विथ इन द बोन कैविटीज प्रोड्यूस रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स इन अ प्रोसेस कॉल्ड हिमाटोपाइसिस अच्छा इसके अलावा हड्डियों के अंदर जो कैविटीज़ होती हैं उसे बोन मेरो भी कहते हैं उस बोन मेरो का बुनियादी मकसद ये होता है कि उस बोन बोन मेरो के जरिए हमारे बॉडी के लिए ब्लड की प्रोडक्शन होती है और इस प्रोसेस को हम हीमेटो कहते हैं हीमेटो का मतलब ब्लड है और पॉइसिस का मतलब डेवलपमेंट तो ये एक एडिशनल फंक्शन है हमारे बोन्स की कैविटी का अच्छा अभी जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे तो जॉइंट्स होल्ड द बोन्स टुगेदर एंड अलाउ द बॉडी टू मूव तो ये जॉइंट्स के फंक्शन है अब ये एम सी क्यूज़ में आ सकते हैं कि जॉइंट्स का फंक्शन क्या है तो जॉइंट्स ने क्या किया होता है जॉइंट्स ने बोन्स को टुगेदर किया होता है यानी कि दो हड्डियों को मिलाया होता है और उसको जैसे बॉडी को मूवमेंट के लिए अलाउ करती है द मसल अटैच टू द स्केलेटन कॉन्ट्रैक्ट जो मसल्स होते हैं हमारे स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं टेंडन के जरिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेंडन ने हमारे मसल्स को बोन्स के साथ अटैच किया होता है जब वो कंट्रैक्ट करते हैं तो उसकी कंट्रक्शन की वजह से बोन्स के अंदर मूवमेंट आती है और इसके अलावा हीट प्रोड्यूस होता है और उस हीट का काम ये होता है कि वो हमारे बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन रखता है अब सबसे पहले हम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे वो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जब हम पढ़ेंगे जिसमें मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम को डायग्नोस करते हैं डिसऑर्डर होते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और इसके अलावा बोन्स के अंदर जो फ्रैक्चर होते हैं उसको डायग्नोस करने के लिए मुख्तफ किस्म के डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हैं उसको यहाँ डिस्कस करेंगे सबसे पहले डॉक्टर जो है मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम के अंदर जब इबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं तो सबसे पहले डॉक्टर उस पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं और फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री के बाद ही लेबोरेटरी टेस्ट हो गए इमेजिंग टेस्ट हो गए और कुछ ऐसे अदर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होते हैं जो कि नेसेसरी होती है डॉक्टर को उस चीज़ की ज़रूरत होती है उस डायग्नोस्टिक प्रोसीजर की ज़रूरत होती है एक डायग्नोसिस को यानी कि एक डिज़ीज़ या एक डिसऑर्डर को कन्फर्म करने के लिए उस प्रोसेस की ज़रूरत होती है तो उसमें सबसे पहले लेबॉट्री टेस्ट की बात करें सबसे पहले आता है ई ई एस आर के की फुल फॉर्म ये है कि ई एस आर का मतलब एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इसमें रेड ब्लड सेल गिरने की रेंज देखते हैं कि रेड ब्लड सेल जो है कितने मिकदार में इसके अंदर सेडिमेंटेशन होती है अगर रेड से ई एस आर की वैल्यू बढ़ जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि बॉडी के अंदर सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर या जॉइंट्स में स्पेशली सैन्यल जॉइंट में जैसे कि नी जॉइंट हो गया एंकल जॉइंट हो गया इसमें इन्फ्लामेशन मौजूद है तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बाद सेकंड टेस्ट है लेवल ऑफ क्रेटिन कानेस अच्छा क्रेटिन कानेस के बारे में बात करें तो क्रेटिनन काइनेस नॉर्मल मसल्स इंजाइम होता है जो कि लीक आउट्स हो जाते हैं जब हमारे मसल्स के अंदर इंजरी आ जाती है जब हमारे मसल डैमेज हो जाते हैं तो वो नॉर्मल जो क्रिटिनन काइनेज है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाता है और इसकी वजह से हमें ये इंडिकेशन मिलता है हमें इस बात का कन्फर्मेशन होती है कि बॉडी में सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है तो लेवल ऑफ करेटिन कानेस कन्फर्म दी एबनॉर्मलिटीज़ इन मसल्स ओके नेक्स्ट सिट्रोलिनेटेड पेप्टाइड सिट्रोलिनेटेड पेप्टाइड ये भी ब्लड टेस्ट है और इसमें हम रिमाटोइट आर्थराइटिस ऑटो इम्यून आर्थराइटिस भी इसे कहते हैं इसकी कंफर्मेशन के लिए हम ये टेस्ट करते हैं इसके अलावा इस एम आर ए भी एक टेस्ट आता है रिमाटोइट आर्थराइटिस फैक्टर एक टेस्ट वो हो भी होता है उसके जरिए भी इसकी कन्फर्मेशन होती है इसके बाद जीन एच एल ए बी ट्वेंटी सेवन ये भी एक टेस्ट होता है और ये कन्फर्मेशन करता है स्पोंडेलो आर्थोपैथी स्पोंडेलो आर्थोपैथी वर्टिप्रल कॉलम की डिजीज़ होती है जो मोहरे होती है वर्टीब्रल कॉलम में रीढ़ की हड्डी में जो जोड़ पाए जाते हैं उसमें अगर अब आ जाती हैं तो उसकी कन्फर्मेशन के लिए हम जीन एच एल ए बी ट्वेंटी सेवन करते हैं इसके बाद मसल्स के लिए कुछ इलेक्ट्रिक मायोग्राफी टेस्ट आते हैं जिसमें मसल्स का रिस्पांस दिया जाता है और नर्व कंडक्शन स्टडीज यानी कि नर्व के जरिए भी हम उसको नर्व कंडक्शन यानी कि नर्व का रिस्पांस हमारे मसल्स को मिलता है कि नहीं ये भी ये टेस्ट जो है इलेक्ट्रोमायोग्राफी और नर्व कंडक्शन स्टडीज कहलाते हैं ओके इसके बाद एक्सरेज है एक्सरेज़ जो है ये वैल्यूएबल है मोस्ट वैल्यूएबल है फॉर डिटेक्टिंग एबनॉर्मलिटीज़ इन बोन एंड आर टेकन टू एवालवेट पेनफुल डिफॉर्म और सस्पेक्टेड एबनॉर्मल एरिया ऑफ बोन्स बोन्स के आसपास जो सस्पेक्टेड एरिया होता है इनफ्लामेशन होती है और इसके अलावा पेनफुल एरिया को डिटेक्ट करने के लिए मोस्ट वैल्यूएबल जो वे है वो एक्सरेज है ऑफ़न एक्सरे कैन हेल्प टू डायग्नोस फ्रैक्चर अमूमन एक्सरे के ज़रिए हम फ्रैक्चर का पता लगाते हैं ट्यूमर्स का पता लगाते हैं इंजरीज इन्फेक्शन डिफॉर्मिटीज सच एस कंजनेटल हिप डिसप्लेजिया कंजनेटल हिप डिसप्लेजिया ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें हिप बोन्स के अंदर कमजोरी आ जाती है तो इस पॉइंट में ये कहना चाह रहे हैं कि एक्स रे अमूमन फ्रैक्चर की डायग्नोसिस में हेल्पफुल होती है इससे ट्यूमर्स का भी पता चलता है इंजरीज़ का भी पता चलता है इन्फेक्शन का भी और डिफॉर्मिटीज़ का भी पता चलता है तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के हवाले से एक्सरे रे ड्यू नॉट शो सॉफ्ट टिश्यू सच एज मसल्स बरसाई लेगामेंट्स टेंडन और नर्व्स ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सरे जो है उसमें सॉफ्ट टिश्यूज का पता नहीं चलता सॉफ्ट टिश्यूज के नॉर्मलिटीज़ के बारे में इसकी डायग्नोसिस नहीं होती एक्सरे के जरिए जैसे कि मसल्स हो गए बरसाई लेगामेंट्स टेंडोन्स और नर्व्स इसके बाद है ड्यूल एनर्जी एक्सरा एब्जॉर्बिमेट्री इसे डेक्सा के नाम से याद रखो डेक्सा डेक्सा जो ये मोस्ट एक्यूरेट वे टू एवेलुएट बोन डेंसिटी बोन डेंसिटी को एवेलुएट करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वैल्यू एबल जो एक्सरा है वो डेक्सा है यानी कि डविल एनर्जी एक्सरे रे एब्जॉर्बिमेट्री इसमें बेसिकली बोन की जो डेंसिटी होती है वो बोन की डेंसिटी इस एक्सरे के जरिए ही कन्फर्म की जाती है और ऐसा कौन सा डिसीज है जिसमें बोन की डेंसिटी कम हो जाती है तो उसे हम ओस्टोपिनिया या ओस्टियोप्रोसिस कहते हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे ओस्टियोपिनिया और ओस्टियोप्रोसिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ बोन्स कैविटी बोन्स कैविटी की ये डिसऑर्डर है और इसमें बोन्स के अंदर जो बोन्स मास डेंसिटी होती है उस डेंसिटी में कमी हो जाती है तो उसकी कन्फर्मेशन किससे होती है डेक्सा से होती है सो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑस्टोपिनिया या ऑस्टियोप्रोसेस की डायग्नोसिस कौन से एक्सरे से होती है तो उस एक्सरे का नाम है ड्यूएल एनर्जी एक्सरा एब्जॉर्बिव इसके बाद कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी कि सी और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एम आर और एम ये काफ़ी एक्सपेंसिव है और इससे भी बहुत सारे नॉर्मलिटीज़ सॉफ्ट टिश्यूज़ का जो सॉफ्ट टिश्यूज़ के नॉर्मलिटीज़ होती हैं उसके बारे में हमें डिटेल मिलता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग गिव मच मोर डिटेल देन कन्वेंशनल एक्सरा कन्वेंशनल एक्सरा के मुकाबले में सी टी और एम आर आई बहुत ही ज़्यादा डिटेल हमें प्रोवाइड करता है एंड मे बी डेंट टू डिटरमाइन द एक्सटेंट एंड एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ डैमेज इसके फ़ायदा ये है कि ये हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताता है तो ये मोस्ट इंपॉटेंट पॉइंट है जो कन्वेंशनल एक्सरे है उस कन्वेंशनल एक्सरे के मुकाबले में ये जो डैमेज होने की एक्चुअल पॉइंट होता है वो एक्चुअल लोकेशन होता है वो एक्चुअल लोकेशन हमें प्रोवाइड करता है न बी कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटेक्ट फ्रैक्चर इसके जरिए भी फ्रैक्चर का पता चलता है देट आर नॉट वेजिबल ऑन एक्सरा अगर एक्सरे पर वो वेजिबल ना हो तब सच एज हिप एंड पैलवेस लुस और हिप में स्मॉल फ्रैक्चर होते हैं जो कि कन्वेंशन एक्सरेज यानी कि नॉर्मल एक्सरेज में हमें उन, उनके बारे में डायग्नोसिस नहीं होती तो फिर हम उसके लिए एम आर आई ऐसी डी करते हैं एम आर आई इज स्पेशली वैल्यूएबल फॉर इमेजिंग मसल्स लेगामेंट्स एंड टेंडन तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एम आर आई जो है ये स्पेशली वैल्यूएबल होता है मसल्स के लिए लेगामेंट्स के लिए और टेंडन के लिए तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओके एम आर आई कैन बी यूज इफ द कॉज ऑफ पेन ताउ टू बी सीवियर एम आर आई को हम तभी इस्तेमाल करेंगे जब जो पेन की कॉस है या पेन की शिदत है वो ज़्यादा हो सॉफ्ट टिश्यू प्रॉब्लम या सॉफ्ट टिश्यू प्रॉब्लम में जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल रबचर ऑफ आ मेजर लेगामेंट्स मेजर लेगामेंट्स जब रबचर हो जाते हैं पड़ जाते हैं तो उसका हमें एम आर आई के जरिए कन्फर्मेशन मिलती है या टेंडोन और डैमेज टू इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर इन साइड नी जॉइंट या नी जॉइंट में इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि लेग हो गए तो उसकी कन्फर्मेशन के लिए उसके डायग्नोसिस के लिए तब जाके हम एम आर आई करते हैं सी टी इज यूजफुल इफ एम आर आई इज़ नॉट रिकमेंडेड और अनअवेलेबल सी काफ़ी हेल्पफुल है अगर एम आपको रिकमेंड नहीं किया जाता या एम की कोई सोर्सेस मौजूद ना हो तो तब जाके सी टी यूजफुल है यानी कि एम के बजाय फिर आप सी कर सकते हो अगर एम आपको डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता या एम की सहूलियत मौजूद ना हो अल्ट्रासोनोग्राफी उसके बाद है अल्ट्रासोनोग्राफी अल्ट्रासोनोग्राफी इज बींग यूज्ड मोर एंड मोर फ्रीक्वेंटली ये भी इम्पॉटेंट पॉइंट है अल्ट्रासोनोग्राफी जो है मोर एंड मोर फ्रीक्वेंटली हम इसको, इसको इस्तेमाल करते हैं टू आइडेंटिफाई द इन फ्लाशन को आइडेंटीफाई करने के लिए इन इन एंड अराउंड के अंदर और अराउंड एंड टेयर और इन्फ्लामेशन ऑफ टेंडो इनफ्लामेशन टेंडोन्स के अंदर जब इन्फ्लामेशन हो जाती है या जो टेंडोन्स होते हैं वो टेयर हो जाते हैं तब जाके हम अल्ट्रासाउंड के जरिए भी उसे कन्फर्म कर सकते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी इज आज यूज एज अ गाइड वेन नीडल नीड्स टू बी पुट इन टू अंट समटाइम्स जो जॉइंट जो के फ्लूड होते हैं उसको हम एक्सपायरेट करते हैं उसको ड्रेन करते हैं लेबोरेटरी टेस्ट के लिए ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ देखते हैं उसमें कि आया जो ये इन्फ्लामेशन हुआ है ये जॉइंट में बैक्टीरिया और वायरसेस से तो, तो नहीं हुआ है तो उस प्रोसीजर में हम इंजेक्शन जो है नी जॉइंट में दाखिल करते हैं तो उसके लिए डायरेक्शन के लिए एक कैमरे के तौर पर या एक गाइडलाइन के तौर पर हम अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं इज़ एन अल्टरनेटिव टू सी टी एंड एम आर आई सी टी और एम आर आई के मुकाबले में अल्ट्रासोनोग्राफी सोनोग्राफी इज़ लेस एक्सपेंसिव अल्ट्रासोनोग्राफी जो है ये सस्ता सस्ता भी होता है अन लैक सी टी इन नो एक्सपोजर टू रेडिएशन और एक्स रे और सी टी स्कैन के मुकाबले में अल्ट्रासोनोग्राफी इसलिए भी हेल्पफुल है कि इससे कोई शवाएँ ख़ारिज नहीं होती अल्ट्रा से और ये श्वाएँ जो जैसे कि सी टी हैं और इसके अलावा एम आर आई हो गया और कन्वेंशनल uh, एक्सरे हो गए ये ख़तरनाक भी होते हैं क्योंकि इसमें हाई आयनाइजिंग रेडिएशन होते हैं अल्ट्रासोनिक एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें रेडिएशन लॉस नहीं होते हैं ये सस्ता भी होता है रेडिएशन भी लॉस नहीं होते जॉइंट एस्पायरेशन अच्छा जैसे कि मैंने इससे पिछले स्लाइड में आपको बताया कि जॉइंट एस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम जॉइंट्स के अंदर जो फ्लूड होता है उस फ्लूड को ड्रेन करते हैं इस प्रोसेस को हम जॉइंट एस्पायरेशन भी कहते हैं और इसके अलावा आर्थरोस भी कहते हैं ये एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है माइक्रोबायोलॉजी में लेब में इसको भेजा जाता है ताकि जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन की कोर्स मालूम किया जाए कि आया इस जॉइंट्स में बैक्टीरिया है वायरस है या कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन मौजूद है जिसकी वजह फिर में हो चुकी है फॉर an सबसे पहले इस प्रोसीजर में नर्स जो है एक सुन करने वाले इंजेक्शन लगाते हैं उसके बाद जो है नर्स जो है लार्ज जो, नीडल जो होता है यानी कि टेन सी सी का सरेंज वो उस स्पेस में यानी कि जॉइंट के अंदर दाखिल करते हैं और उसके बाद उस फ्लूड को ड्रॉ करते हैं जिसे हम इस्पायरेट्स भी कहते हैं उस फ्लूड का नाम है साइनोवियल फ्लूड जिसको एस्पायरेट करते हैं यानी उसको निकालते हैं एन एग्जामाइन अंडर अ माइक्रोस्कोप और फिर जाके उसको लेबोरेटरी भेजा जाता है लेबोरेटरी वाले फिर उसको माइक्रोस्कोप में एग्जामाइन करते हैं किसी भी पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करने के लिए मालूम करने के लिए तो एक प्रोसीजर है जैसे कि आपको बताया कि नर्स सबसे पहले ए, मार्किंग करते हैं और इसमें भी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल होता है अल्ट्रासाउंड हमें अल्ट्रासोनोग्राफी हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है एनेस्थेटिक सबसे पहले इंजेक्शन लगाते हैं इस एरिया को सुन कर दिया जाता है और उसके बाद इंजेक्शन को दाखिल करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो इंजेक्शन टें इंजेक्शन है और इसमें क्या किया जाता है इसमें यह किया जा रहा है कि यहाँ से फ्लूड को ड्रेन किया जा रहा है अनर्स रिमूव एज मच फ्लूड एज पॉसिबल एंड नोट इट्स कलर एंड क्लेरिटी अच्छा जब ये फ्लूड ड्रेन किया जाते हैं शरीर में ले लिया जाता है तो नर्स जो है क्या करते हैं कि उस कलर को उस क्लैरिटी को ऑब्जर्व करते हैं अदर टेस्ट सचेज़ वाइट ब्लड सेल काउंट एंड कल्चर आर डन ऑन द फ्लूड इस फ्लूड को जब लेबोटरी में, में बेचते हैं तो वाइट ब्लड सेल और इसके अलावा जो कल्चर टेस्ट होता है उसको डन किया जाता है यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का और इसके अलावा डब्ल्यू बी सी की मिकदार भी देखते हैं द डॉक्टर के ना ऑफन मेका डायग्नोसिस आफ्टर एनालाइजिंग द फ्लूड आ, होता है 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 कि जब ये फ्लूड की होती है, फाइनल रिपोर्ट आता है, उसके बाद डॉक्टर जो फॉर एग्जाम्पल कंटेन बैक्टीरिया ऑफ इंफेक्शन अगर मिसाल के तौर पर उस फ्लूड में अगर बैक्टीरिया मौजूद था तो इसका मतलब यह हो कि बैक्टेरियल इंफेक्शन है तो डॉक्टर ने डायग्नोसिस कर दिया कि यह बैक्टेरियल इंफेक्शन है और अगर उसमें वायरस मौजूद हो तो डॉक्टर ने फिर ये कन्फर्म कर दिया कि इसमें वायरल इन्फेक्शन मौजूद है तो ये इनाटमिक व्यू है इसमें नीडल को इंसर्ट किया गया है इस फ्लूड को ड्रा कर रहे हैं सैनोविल फ्लूड इसके बाद अर्थरोस्कोपी अर्थरोस्कोप एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें स्मॉल पेंसिल के डायमीटर के बराबर एक फ़ाइबर ऑप्टिक स्कोप को दाखिल किया जाता है जॉइंट के स्पेस के दरमियान और उसमें डॉक्टर जो हैं इनसाइड साइड द दे जॉइंट्स देखते हैं यानी कि के उसमें कैमरा लगा होता है और वो कैमरा उस जॉइंट्स के अंदर जो प्रोसेस होता है यानी कि जो कैविटीज़ होती है उसको वीडियो के जरिए देखते हैं कि जॉइंट्स के अंदर कोई इन्फेक्शन है कोई नॉर्मलिटीज़ हैं या कोई कैसा प्रोसीजर हो यानी कि कोई कैसा इन्फे एक्शन वाला प्रोसीजर हो जिससे जॉइंट्स के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं इस प्रोसेस को हम आर्थरोस्कोपी कहते हैं तो ये आर्थरोस्कोपी है जिसमें फाइबर ऑप्टिक पेंसिल के डायमीटर के बराबर जॉइंट्स के जो खाली हिस्सा है उसके अंदर दाखिल किया गया है और ये जो आर्थ्रोस्कोप है आर्थरोस्कोप पीछे एक स्क्रीन के साथ कनेक्टेड होता है और उस स्क्रीन पे डॉक्टर देखते हैं ऑब्ज़र्व करते हैं अंदर के एबनॉमलिटीज़ को ट्रैक्शन एंड एम्पूटेशन अभी ट्रैक्शन और एम्पुटेशन की बात करेंगे इन ऑर्थोपैडिक में रिसेंट ट्रैक्शन रिफर टू द सेट ऑफ मैकेनिज्म फॉर स्ट्रेटनिंग ब्रोकन बोन्स और रिलीविंग प्रेशर ऑन द स्पाइन एंड स्केलेटल सिस्टम ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि हड्ह जब टूट जाती है तो उससे उसको एक वेट के साथ लटका दिया जाता है उस ब्रोकन बोन्स को जैसे कि अभी हिप जॉइंट हो गया या इसके अलावा बॉडी के कोई ऐसा पार्ट्स जिसमें फ्रैक्चर मौजूद हो तो उसको क्या किया जाता है उसके साथ वेट को जो है हैंग किया जाता है और उसका एम काम क्या होता है उसका एम काम जो टूटी हडिया होती है उसको टेम्प्ररी यानी कि आर्जी तौर पर सीधा रख दिया जाता है तो उससे ये होता है कि स्पाइन और इसके अलावा स्केलेटल सिस्टम के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है प्रेशर कम हो जाता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन स्किन ट्रैक्शन एक स्किन का ट्रैक्शन होता है इसकी जो स्किन है उस स्किन को स्ट्रेट रखा जाता है और दूसरा जो है स्केलेटल ट्रैक्शन है यानी कि बोन्स का जो ट्रैक्शन uh, है उसे हम स्केलेटल ट्रैक्शन भी कहते हैं पर्पस ऑफ ट्रैक्शन द पर्पस ऑफ ट्रैक्शन इज टू रिगेन नॉर्मल लेंथ एंड अलाइनमेंट ऑफ इन बोन्स इसके पर्पज़ क्या है तो ये बोन्स का जो नॉर्मल लेंथ होता है वो बरकरार रखता है और इसके अलावा बोन्स के अंदर जो पेनफुल एबनॉर्मलिटीज़ होती है पेनफुल प्रेशर होता है उसको कम किया जाता है लेजन और एलिमिनेट मसल पाजम मसल पाज़म को भी एलिमिनेट करता है रिलीव प्रेशर ऑन नर्व्स जो नर्व कनेक्टेड होते हैं उस पर प्रेशर कम किया जाता है स्पेशली स्पाइनल और इसके अलावा ये प्रिवेंट करता है और रिड्यूस करता है डिफॉर्मिटीज और मसल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर्स मसल कॉन्ट्रैक्टर्स और इसके अलावा जो पेन होता है स्केलेटल डिफॉर्मिटीज होती है उसको भी ये रिड्यूस करता है तो ये ट्रैक्शन है ऊपर इसको कनेक्टेड किया होता है नीचे एक वेट है इस बैग के अंदर वेट मौजूद है और इस दोनों टांगों में दो दोनों यानी कि एक ही टाइम पे दोनों भी हो सकते हैं स्किन ट्रैक्शन भी हो सकता है और बोन ट्रैक्शन भी हो सकता है तो ये प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई किया गया है इससे ये हो रहा है कि जो टूटी हड्डियाँ हैं वो टूटी हड्डियाँ अपनी एक्चुअल पोजीशन पर जा चुकी हैं नर्व के ऊपर प्रेशर कम हो चुका है और जो पेनफुल कंडीशन है वो भी कम हो चुका है और मसल इस्पाज़म भी रिड्यूस हो चुका है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इनिशियल अपलिकेशन द फिजिशियन इस टेपिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ ट्रैक्शन एंड वेट वायल एडजस्टिंग वायल एडजस्टमेंट और रिमूवल टू परफॉर्म एबलूशन फंक्शन फिजिथ्रापी ऑफ स्केलेटल ट्रैक्शन वेट विल बी बेस्ड ऑन द डॉक्टर्स क्रेडिड चार्ट प्लान अच्छा इसमें यह बताया जा रहा है कि जो वेट लगाया जाता है उस वेट को डॉक्टर के प्लान के मुताबिक लगाया जाता है और डॉक्टर ही जो फिजिशियन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ ट्रैक्शन के लिए और वेट यानी कि वेट एडजस्टमेंट के लिए इनिशियली बेसिकली डॉक्टर ही इन्वॉल्व होता है इसमें और कुछ ऐसे प्रोसीजर होते हैं जैसे कि एबल्यूशन फंक्शन हो गया या फिजिथेरापी हो गया उस फिजियोथेरापी के लिए भी स्केलेटल ट्रैक्शन का जो वेट है वो वेट एडजस्ट करना वो भी फिजिशियन का काम होता है एम्पूटेशन की बात करें एम्पूटेशन इज़ द रिमूवल ऑफ अ बॉडी एक्सटर्मिलटी या बॉडी पार्ट्स ट्रामा ट्रॉमा, प्रोलॉन्ग कंस्ट्रक्शन और सर्जरी बॉडी के किसी भी आज़ा को काटना क्यों काट रहे एक्सीडेंट की वजह से हो रहे हैं ट्रामा की वजह से या गेंग्रीन की वजह से जब वो बॉडी का पार्ट इफेक्टेड हो जाता है तो फिर उसको काट दिया जाता है सर्जरी और प्रोसीजर के जरिए और इस प्रोसीजर को हम एम्पूटेशन कहते हैं एज अ सर्जिकल मेजर्स इट इज़ यूज टू कंट्रोल पेन और और डिजीज इसे डिजीज़ और पेन को कंट्रोल करने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है इन एफेक्टेड लिम एफेक्टेड लिम में सचेज मैलेग्नेंसी और गेंग्रीन जैसे कि पाओ में जो जो जैसे कि पैलविज़ बोन है या एंकल बोन है इसमें अगर गेंग्रीन हो जाती है या मेलेग्नेंसी हो जाती है तो उसके नतीजे में उसको काट दिया जाता है क्योंकि वो ऊपर फैलता है इन सम केसेस इट इज़ कैरिड आउट ऑन इंडिविजुअल एज प्रिवेंटिव सर्जरी फॉर सच प्रॉब्लम अमूमन ये प्रिवेंटिव सर्जरी होता है जैसे कि अभी पाँव में पाँव के निचले सतह पर यानी कि एंकल पर मेलेग्नसी हो गई है कैंसर हो गया है तो वो ऊपर की तरफ फैलता है तो उसको काट दिया जाता है तो ये यहाँ पे आप इम्प्यूटेशन देख सकते हो एम्पूटेशन के तीन बेसिक टाइप्स है एक को हम लेग एम्पूटेशन कहते हैं दूसरे को हम आर्म एम्पूटेशन कहते हैं और उसमें कुछ अदर्स एम्पूटेशन भी पाए जाते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ मस्कुलो स्केलेटल प्रॉब्लम्स मस्कुलो स्केलेटल प्रॉब्लम्स के क्या कॉम्प्लीकेशन होते हैं तो डी जे एल के नाम से याद रखो डिप्रेशन जॉइंट डैमेज और लिमिटेड मोबिलिटी ये तीन मेजर कॉम्प्लिकेशन है मस्कुलो स्केलेटल प्रॉब्लम्स के असेसिंग मस्कुलो स्केलेटल स्टेटस वॉश हैंड कैसे असेसमेंट लेनी होती आ, होती है एक पेशेंट की मस्कुलो स्किलटल स्टेटस को की असेसमेंट कैसे लेते हैं सबसे पहले हैंड्स को वॉश करना है उसके बाद पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेनेशन देना है उसके बाद पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन पे लाना है पीलू और इसके अलावा फोल्डेड ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी है ताकि पेनफुल बॉडीज जो पेनफुल पार्ट्स होता है आ, उसकी सपोर्ट मिले पेशेंट को रिलीफ मिले प्रोवाइड असिस्टेंट विद डिस डिसोबिंग एज नीडिड डिसोबिंग के दौरान जो है पेशेंट को अजिस्टेंस देना जरूरी है एडजस्ट रूम टेम्परेचर फॉर क्लाइंट कम्फर्ट जो क्लाइंट कम्फर्ट होता है क्लाइंट की बॉडी uh, के मुताबिक या क्लाइंट की कम्फर्टेबिलिटी के मुताबिक टेम्परेचर को एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है प्रोवाइड अ क्लियर इंस्ट्रक्शन टू क्लाइट ईजी एज्यूमिंग असर्चन बॉडी पोजिशन और परफॉर्मिंग अ असर्चन बॉडी मोमेंट। बॉडी अच्छा इसमें यह होता है कि बॉडी को मुख्तलिफ पोजिशन पर मूव करना होता है तो उसके बारे में भी पेशेंट को क्लियरली इंस्ट्रक्शन देना है कि हमने इस तरह इस तरह बॉडी को मूव करना है इन्फॉर्म क्लाइंट बिफोर टचिंग और रिमूविंग अ पेनफुल बॉडी पार्ट्स पेनफुल बॉडी पार्ट्स को टच करने के लिए या उसको हिलाने से पहले पेशेंट को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है असिस स्केलेटल मसल्स एंड जॉइंट्स इन सीफेलो कॉडल प्रॉक्सीमल टू डिजटल मैनर यानी कि अपर टू लोअर इस एम सीफेलोकोडल प्रोक्सीमल टू डिजटल मैनर भी कहते हैं इसमें हम क्या करेंगे पेशेंट को अजिस्ट करेंगे तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा पॉइंट होता है जिसमें हम पेशेंट को अजस्टमेंट करते हैं अब नॉर्मल स्केलेटल मसल्स या जॉइंट्स की डिजीज में तो सीफेलोकोडल प्रॉक्जिमल टू डिजटल मैनर जिसे हम अपर टू लोअर भी कहते हैं एग्जामाइन नॉन एफेक्टेड बॉडी पार्ट्स बिफोर एग्जामाइनिंग एफेक्टेड वन्स अच्छा जो नॉन एफेक्टेड बॉडी पार्ट्स होते हैं पहले उसकी एजेस्टमेंट लेना बहुत जरूरी है उसके बाद जाके हम इफेक्टेड पार्ट्स की एग्जामिनेशन लेंगे एवॉइड अननेसेसरी और एक्सेसिव मैनिपुलेशन और मैनिपुलेशन ऑफ अ पेनफुल बॉडी पार्ट्स अच्छा अननेसेसरी और एक्सेसिव मैनिपुलेशन पेशेंट को अननेसेसरी टच करना या उसकी बॉडी को एक्स्ट्रा मूव करना गैर जरूरी तौर पे इससे अवॉइड करना जरूरी है इफ़ द क्लाइंट वर्बलाइज पेन अगर पेन के बारे में क्लाइंट कंप्लेन करे स्टॉप दी एग्रीवेटिंग मोशंस तो पेनफुल बॉडी पार्ट्स को टच करना और उसको मूव करने को फ़ौर स्टॉप करना है इफ़ नीड इट अजिस्ट क्लाइंट इन ड्रेसिंग आफ्टर द फिजिकल एग्जामिनेशन इज़ कम्प्लीटेड अगर ज़रूरत पड़े तो पेशेंट की जो ड्रेसिंग होती है उसमें अजिस्ट देना है एग्जामिनेशन के बाद सॉफ्ट टिशू इंजरी सॉफ्ट टिशू इंजरी इज अ डैमेज ऑफ मसल्स लेगामेंट्स टेंडोन्स थ्रू आउट द बॉडी तो सॉफ्ट टिशू इंजरी क्या होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉफ्ट टिशू इंजरी बेसिकली मसल्स लेगामेंट्स और टेंडोन्स की इंजरी को सॉफ्ट टिशू इंजरी कहते हैं कॉमन सॉफ्ट टिशू इंजरी यूजअली अगर्स फ्राम स्प्रेन और स्ट्रेन दो किस्म के सॉफ्ट टिशू इंजरी होती है जैसे हम स्प्रेन कहते हैं और दूसरे को हम स्ट्रेन कहते हैं इसको हम आगे डिस्कस करेंगे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कैन रिजल्ट इन अ पेन स्वेलिंग बर्सिंग एंड लॉस ऑफ फंक्शन ये इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के इसमें पेन होगा स्वेलिंग होगी ब्लड स्किप होगा और वो एरिया इफेक्टेड हो जाएगा यानी कि उस एरिया में फंक्शनो लेसिया यानी कि फंक्शन लेस हो जाएगा अब सबसे पहले स्प्रेन और स्ट्रेन को समझेंगे ये दो मेन सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है स्प्रेन एन आवर एक्सटेंडिंग और टेयरिंग ऑफ लेगामेंट्स जो लेगामेंट्स होते हैं, लेगामेंट जब टेयर हो है, जब जाते हैं लेगामेंट जब कट जाते हैं पट जाते हैं इस कंडीशन को हम स्प्रेन कहते हैं और स्ट्रेन बेसिकली जो मसल्स होते हैं या टेंडोन होते हैं वो जब पट जाते हैं कट जाते हैं तो इस कंडीशन को हम स्ट्रेन कहते हैं इसका मोस्ट कॉमन लोकेशन जो है वो एंकल है स्प्रेन का जबकि स्ट्रेन का मोस्ट कॉमन साइड जो है लोअर बैक है और इसके अलावा जो ताइस है बैक ऑफ दाइज है वो मोस्ट कॉमन पार्ट से स्ट्रेन का फ्रैक्चर फ्रैक्चर किसे कहते हैं हड्डी का या कार्टिलेज का टूट जाना फ्रैक्चर अ ब्रेक इन अ बोन और कार्टिलेज आल्टो यूजअली अ रिजल्ट ऑफ ट्रामा किसी ट्रामे की वजह से हो सकता है अ फ्रैक्चर कैन बी द रिजल्ट ऑफ एक्वायर डिजीज ऑफ बोन्स बोन्स के डिजीज की वजह से हो सकता है सच एज ऑस्टियोप्रोसिस और ऑफ एबनॉर्मल फॉर्मिंग एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एन अ कंजेटल डिजीज ऑफ अ बोन सच एस ऑस्टियोजे इम ब्रिटल बोन डिजीज़ कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जैसे कि, जैसे कि उसमें हड्डियों के अंदर कमज़ोरी आ जाती है जैसे कि ओस्टि हो गया या इसके अलावा कैंजनाइटल डिजीज ऑफ बोन जैसे कि ब्रिटल बोन डिजीज़ हो गया इसकी वजह से हड्डिया कमज़ोर हो जाती है और मामूली से गिरने से भी हड्डियाँ टूट जाती है फ्रैक्चर आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू दियर करैक्टर एंड लोकेशन फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीन ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर ऑफ द रेडियस तो यहाँ पे फाइव uh, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर है इसको जी सी टी सी एस के नाम से याद रखो जी सी टी सी एस तो जी सबसे पहले आते हैं ग्रीन स्टिक और ग्रीन स्टिक में जो हड्डी होती है वो मोस्टली ग्रीन स्टिक क्या है ग्रीन स्टिक जैसे कि फेबूला और टीबिया हो गया और इसके अलावा नीचे जो हमारे हाथ में होते हैं रेडियस और अल्ना इसमें ये फ्रैक्चर आता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इन होता है ये फ्रैक्चर हड्डी के इन होता है स्पैरल फ्रैक्चर जो है ये स्प्रिंग की तरह होते हैं और कम्यूनिटेड फ्रैक्चर जो हैं ये कंपाउंड फ्रैक्चर भी कहलाते हैं इसमें यानी कि ये छोटे छोटे फ्रैक्चर कहलाते हैं इसमें जो फ्रैक्चर के टाइप्स हैं यानी कि हड्डी जो है वो छोटे छोटे पोर्शंस में टूट जाते हैं इसे सॉरी इसे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर भी कहते हैं ट्रांजर्व फ्रैक्चर जब दो इक्वल साइडों पर एक हड्डी टूट जाती है उसे हम ट्रांजर्व फ्रैक्चर कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर दोनों हड्डियाँ जैसे कि फिबूला और टीविया एक साथ टूट गए या रेडियस और अल्ना एक साथ टूट गए इसे हम कंपाउंड फ्रैक्चर कहेंगे तो वंस अगेन ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर वो फ्रैक्चर होता है जिसमें हड्डी इनर साइड पे टूट जाती है स्पैरल फ्रैक्चर में हड्डी जो है स्पैरल मेनर में टूट जाती है स्प्रिंग की तरह और कम्यूनेटेड फ्रैक्चर जो है ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर होते हैं इसमें हड्डी जो है छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाती है ट्रांजर फ्रैक्चर हड्डी जो है दो इक्वल साइज़ों में टूट जाती है कंपाउंड फ्रैक्चर जो दो हड्डियाँ होती है जैसे कि फिबुलॉटिबिया रेडियस और अल्ना ये दोनों एक साथ टूट जाते हैं इसे कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं तो ये एम्प्यूटेशन दोबारा यहाँ पे आ चुके हैं बॉडी पार्ट्स को रिमूव किया गया है इसके बाद है पेजिड्स डिजीज़ पेजिड डिजीज़ जो है ये एल्डर पीपल का एक क्रॉनिक डिज़ीज़ है और इसमें जो बोन्स के अंदर बोन के टिश्यूज़ में अल्टरनेशन आ जाती है इस्पेशली स्पाइन यानी कि वर्टिब्रल कॉलम स्कल पैलविस और इसके अलावा इससे इस सीवियर पेन भी होता है कॉसिंग सीवियर पेन और इसे ओस्टाइटस डिफॉर्मेंस भी कहते हैं पेजड डिजीज को हम ओस्टाटस डिफॉर्मेंस भी कहते हैं पेजिड डिजीज ओस्टैटस डिफारमेन एक्सेसिव बोन्स डिस्ट्रक्शन एंड अन ऑर्गेनाइज बोन फॉर्मेशन एंड रिपेयर द सेकेंड मोस्ट कॉमन बोन डिसऑर्डर इन दू एस यू एस में ये बोन uh, डिसडर में सेकेंड मोस्ट कॉमन बोन डिसऑर्डर है इसकी एटियोलॉजी अनना होने ये एडियोपैथिक है इसकी कॉजिस अनना होने और यूजली इससे एक्जिल स्केलेटन इफेक्टेड होता है एग्जिल स्केलेटन से मुराद रिब्स वर्टिब्रल कॉलम स्कल लेकिन समटाइम इसमें पैलविस भी इससे अफेक्टेड हो सकता है टीबिया भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है ये मोस्ट कॉमन साइट होते हैं मोस्ट पर्सन आर ए सिम्टोमेटिक एंड डायग्नोसिस इज इंसिडेंटल कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उनमें कुछ सिम्टम अपीयर्स नहीं होते और किसी भी वजह से कोई और पर्पस के लिए वो डायग्नोसिस करते हैं और उसमें पैजिड डिजीज भी डायग्नोस हो जाती है तो ये पैजड डिजीज़ है जिसमें लोअर लिम्स है और अपर लिम्स है यानी कि स्पाइनस में डिफ़ॉर्मिटीज़ आ चुकी हैं कमज़ोरी आ चुकी है, है वीकनेस आ चुकी है इसके बाद है गाउट गाउट एक मेडिकल कंडीशन होता है जो कि एक एक्यूट इन्फ्लामेटरी आर्थरेटिस भी इसे कहते हैं इसमें जॉइंट का एक स्पेसिफिक पार्ट जो है रेड हो जाता है स्वेल हो जाता है हॉट हो जाता है और एक किस्म का ट्यूमर लाइक अपीयर हो जाता है इस कंडीशन को हम गाउट कहते हैं और इसके मोस्ट कॉमन काज जो हैं यूरिक एसिड की अमाउंट जब बढ़ जाती है तो ये गाउट की डायग्राम है पिक्चर है आप देख सकते हो कि गाउट में किस तरह जॉइंट जो है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो चुकी है ओस्टियोमोलिटस ओस्टियोमोलीटस जो है इसे हम ओ एम बी कहते हैं ये ग्रीक वर्ड से इसको डिराइव किया गया है ओस्टियोन जिसका मतलब बोन है माइलो जिसकी मीनिंग है मेरो और इसके अलावा आइटस या टाइटस इसका मतलब इन्फ्लामेशन ओस्टियोमालाइटस का मतलब ये है कि ये इंफ्लामेशन है बोन मेरो का ओस्टियोमालाइटस इसे हम कहते हैं तो ये ओस्टियोमोलाइटस बोन मेरो के अंदर जब इन्फेक्शन हो, तो हो जाता है तो उसकी वजह से ओस्टियोमोलाइटस हो जाता है ओस्टियो ओस्टिव आर्थ्रेटिस डी जेनरेटिव आर्थरेटस इसे हम डी जनरेटिव आर्थरेटस भी कहते हैं और डी जॉइंट डिजीज़ भी कहते हैं या इसके अलावा ऑस्टियोआर्थ्रोसिस भी कहते हैं ये ग्रुप ऑफ मैकेनिकल मेकेमलिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से जॉइंट्स के अंदर डिग्रेडेशन हो जाती है इंक्लूडिंग आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड सब बोन्स बब कोंड्रल बोस में मोस्ट मोस्टली होता है और इसके अलावा आर्टिकुलर कार्टिलेज में ज़्यादातर होता है ओस्टिव तो ये ओस्टिथ्रेटस है मोस्टली जो न्यू जॉइंट नी ज्वाइंट को इफेक्ट करता है ऑस्टियोपोरोसिस प्रोसेस में हड्डियां अंदर से खाली हो जाती है ऑस्टिव इज़ अ प्रोग्रेसिव बोन डिजीज़ दैट इज करेक्टराइज बाय द डिक्रीज इन बोन मास एंड डेंसिटी व्हिच कैन लीड टू एन इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर ऑस्टो एक प्रोग्रेसिव बोन डिजीज़ है और इसकी वजह से जो बोन मास होता है और बोन्स की डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है और पेशेंट जो है या इंडिविजुअल जो है वो फ्रैक्चर के रिस्क पे होता है इन ऑस्टिव द बोन मिनरल डेंसिटी बी बोन मिनरल डेंसिटी जो है रिड्यूस हो जाती है और इसके अलावा बोन्स के जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है और इसके नतीजे में प्रोटीन जो है प्रोटीन का फंक्शंस या जो प्रोटीन होते हैं वो भी बोन मेरो के अंदर या बोन्स के अंदर एबनॉर्मल हो जाते हैं प्रोटीन की भी कमी हो जाती है मिनरल्स की भी कमी हो जाती है और इसके अलावा बोन्स मास और इसके साथ साथ बोन्स के अंदर जो मैट्रिक्स होते हैं जिसे हम कॉलेजेंस कहते हैं उनमें उनकी भी कमी आ जाती है और इस कंडीशन को हम ऑस्टियोप्रोसेस कहते हैं तो ये ऑस्टियोप्रोसेस हैं एक नॉर्मल बोन मैट्रिक्स है आप इसको देख सकते हो एक ऑस्टोप्रोसेस है जो बिल्कुल कोखला हो चुका है बोन मास डेंसिटी बोन मिनरल डेंसिटी ये दोनों कम हो चुकी है मैट्रिक्स भी कम हो चुका है कोलेजिन भी इसमें ख़त्म है और ये पेशेंट जो है या ये इंडिविजुअल जो है ये हाई रिस्क है फ्रैक्चर के हाई रिस्क पर है मोस्टली ये वुमेन में होते हैं एस्टोजिन के नॉर्मल सिक्रीशन की वजह से इसके बाद है रीमा टोइट आर्थ्रेटिस रीमा आर्थ्रेटिस जो है ये ऑटो इम्यून डिजीज है और इससे क्रॉनिक सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ भी कहते हैं और ये बॉडी के टिशू ऑर्गन और इसके अलावा फ्लेक्सिबल जिसे हम साइनोवियल जॉइंट्स कहते हैं उसे अफेक्ट करता है इट कैन बी डिसेबलिंग एंड पेनफुल कंडीशन ये डिसेबलिंग यानी कि माजूर होने वाला कंडीशन भी है और दर्दनाक कंडीशन भी है विच कैन लीड टू सब्सटेंशियल लॉस ऑफ फंक्शन इससे लॉस ऑफ फंक्शन भी हो सकता है मोबिलिटी भी इमोबलिटी हो सकती है और इसके साथ साथ इसको अगर ट्रीट नहीं किया गया तो सीवियर कंडीशन पैदा हो सकती है बॉडी के अंदर तो ये रिमोटोइट अर्थरेटस है इसका स्पेसिफिक लोकेशन है इसके पुला है इसके अलावा एल्बो जॉइंट है कार्पल है और मोस्टली जो है एंकल जॉइंट है नीचे ये सारे जो रेड सर्कल से मार किए गए ये मोस्ट कॉमन साइड से रिमोटोट अर्थरेटस के तो ये रिमर टोडोर्थराटिस है इसमें बोन्स जो हैं टेढ़े हो चुके हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से बेसिकली इसमें ये होता है कि इस जॉइंट्स में इस जॉइंट्स के ख़िलाफ़ हमारे इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं और इसकी वजह से ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पैदा हो जाता है इसके बाद है बोन ट्यूमर बोन ट्यूमर जो है ये न्यू प्लास्टिक ग्रोथ होता है यानी कि हड्डियों का कैंसर होता है ये कि नॉर्मल ग्रोथ होता है जो कि बिनाइन यानी कि नॉन कैंसरस और मेलेगनेंट यानी कि कैंसरस भी हो सकता है एंड बिनाइन का मतलब पैल नहीं सकता और ट्यूमर तु, या मेलेगनेट जो है फैल सकता है इसको जो है रिमूव किए जाते, है, जाते है। टुबर क्लोसे, टुबर क्लोसे, bacteria, हैं अफेक्टेड पार्ट्स को सर्जरी के जरिए रिमूव किए जाते हैं ट्यूबर क्रॉसेज ट्यूबर क्रॉसेज मोस्टली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसे हम माइक्रोबैक्टेरियम ट्यूबर क्रॉसेज या ट्यूबरसल बेसिलस भी कहते हैं इस जो है आ, पास्ट में इसे हम फेटाइसिस भी कहते थे और फिटाइचिस पलमोनेलिस भी इसे कहते थे इसका अहम काम जो है ये था कि ये हमारे लंग्स को इफेक्ट करता था लेकिन अब इसके बहुत सारे टाइप्स से ट्यूबर क्रॉसिस के इंटेस्टाइन को भी इफेक्ट करता है बोन्स को भी इफेक्ट करता है इसके अलावा ये एक इन्फेक्शन किस्म का इन्फेक्शन होता है सीवियर इन्फेक्शन होता है जिससे लंग इफेक्टेड हो जाते हैं ट्यूबर ट्यूबर क्रॉसिस टिपिकली अटैक्स द लंग्स बट कैन आल्सो इफेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी लंग्स को इफेक्ट करते हैं इसके साथ बॉडी के अदर पार्ट्स यानी कि बोन्स इंटेस्टाइन इसे भी इफेक्ट कर सकते